इसमें आप लोगों को डिजाइनिंग ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। अगर आप लोग भी इसके जैसे डिजाइनिंग ब्लाउज कटिंग बनाना चाहती है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये देखिए मैंने नॉर्मल पॉप स्लीव बनाया है और यहाँ पर आप लोग देख सकती है किस तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइनिंग नेक बनकर तैयार किया है। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकती है पॉप स्लीव भी कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे छोटे से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने 75 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर भी ले सकती हो, आप अपने हिसाब से लेना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अस्तर के फैब्रिक को 2 फोल्डिंग करके लिया है। जितना तक मेरा ब्लाउज का साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से रखने के बाद एक्स्ट्रा मैंने 1.5 इंच तक ज़्यादा लिया है। तो चलिए ब्लाउज का लंबाई रखूँगी। लंबाई यहाँ पर देखिए तैयार होगा 14 इंच तक और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच, तो टोटल 15 इंच का ब्लाउज का लंबाई रखूँगी। तो चलिए शोल्डर यहाँ से मैं 5.5 इंच तक ही रखूँगी। उसके बाद लेना है नेक लाइन। नेक लाइन यहाँ से देखिए, जैसे कि ये बैक साइड की तरफ से डिजाइनिंग है तो मैं यहाँ से 2.5 इंच तक नेक लाइन लूँगी। डिजाइनिंग के लिए आपको नेक डिप कितना तक रखना है आप अपने हिसाब से लेना है। मैं यहाँ से 10 इंच, नहीं तो 10.5 इंच, 9.5 इंच इस तरीके से रखूँगी। मैं यहाँ से 10 इंच तक लिया है और इस साइड से भी देखिए 2.5 इंच तक लिया है। फिर यहाँ से इस तरीके से बनाऊँगी, ये देखिए। फिर चलिए आर्म होल का मेजरमेंट रखूँगी। आर्म होल का मेजरमेंट कितना तक लेना है देखिए, यहाँ से 5.5 इंच तक रखूँगी। 6 इंच होने से 2 सूट कम रखूँगी और यहाँ से बराबर 5.5 इंच तक मिलाऊँगी। फिर चलिए यहाँ से इस तरीके से मिला दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आर्म होल को मैंने एल शेप बना कर दिया है। तो चलिए अभी बैक साइड की तरफ से बी नेक का शेप लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीके से लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पर नेक का शेप दूंगी। नेक का शेप कैसे देना है देखिए, यहाँ से मिडल बराबर करके लूँगी। फिर यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बी नेक का शेप लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेक का शेप दे दिया है। तो चलिए अभी चेस्ट का मेजरमेंट रखूँगी। जैसे कि ये ब्लाउज देखिए 38 साइज के हिसाब से रखूँगी मैं यहाँ पर, देखिए 9.5 इंच तक और एक्स्ट्रा फेब्रिक 2 इंच तक रखूँगी, नहीं तो 1.5 इंच तक रखूँगी। तो चलिए कमर के साइड की तरफ से भी डिजाइनिंग बनाने के लिए यहाँ से एक निशाना लगाऊंगी 4.5 इंच तक। फिर यहाँ से देखिए इसको देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से मिलाना है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्केल ले लिया है, स्केल का मदद से मैं यहाँ पर इसको मिला दूंगी इस तरीके से। फिर चलिए यहाँ से आर्महोल का शेप लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच में एक निशाना लगाकर इस तरीके से आर्महोल का शेप लगा लिया है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकती है पूरा पूरी बैक साइड कंप्लीट है और कटिंग कर लूँगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चौक का निशाना दिया है उसी निशाना का बराबर काट कर लूँगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बैक साइड का नेक डिजाइन आया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइनिंग नेक काट किया है। तो चलिए अभी यहाँ से फ्रंट साइड काट करूँगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से 1 इंच तक लंबाई ले लूँगी एक्स्ट्रा ज़्यादा, क्योंकि लंबाई एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लेने से पिंचेस का ब्लाउज में लंबाई में बहुत ही कम हो जाता है, तो फ्रंट साइड की तरफ से कम हो जाएगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है। फिर उसके बाद चौरा के साइड की तरफ से भी रखूँगी, ये मैं बाद में लूँगी। अभी यहाँ से फिलहाल कुछ इस तरीके से बैक पार्ट का हिसाब से निशाना लगा कर ले लूँगी। तो चलिए फ्रंट साइड के नेक डिप लेना है। तो देखिए कितना तक लेना है, मैं यहाँ से 7 इंच तक रखूँगी। चाहता आप इससे ज़्यादा डीप लेना चाहती हो तो और 1/2 इंच ले सकती हो, और कम करना है तो और थोड़ा कम कर सकती हो। तो चलिए मैंने कुछ इस तरीके से बॉक्स बना कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ से बी शेप बनाने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने देखिए 1/2 इंच तक
यहाँ से मेजरमेंट कर इस तरीके से शेप मिलाकर ले लिया है। उसके बाद लूंगी बस पेंट के मेजरमेंट 10.5 इंच तक रखूंगी और यहाँ से पेक्स पॉइंट 3.8 इंच तक रखूंगी और यहाँ से भी 3.8 इंच रखूंगी। तो चलिए अभी यहाँ से 5.5 इंच तक रखूंगी, फिर देखिए यहाँ से 3 इंच का टैक्स लगाऊंगी, दोनों साइड की तरफ से 1.5 इंच मिलाऊंगी। तो चलिए अभी इसको देखिए कुछ इस तरीके से जहाँ से 5.5 इंच तक मेजरमेंट लिया है वहाँ से इस तरीके से मिला दूंगी, ये देखिए इस तरीके से। फिर चलिए कमर के साइड की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूंगी, यहाँ से 2 इंच तक रखूंगी। ब्लाउज को सही तरीके से मेजरमेंट लेने से आप सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा एक बार ध्यान में रखना है ब्लाउज जब भी कटिंग करें ब्लाउज को सही तरीके से मेजरमेंट लेकर काट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकती है अस्तर का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी फैब्रिक में काट करूँगी, फैब्रिक में देखिए किस तरीके से कटिंग करना है। ये देखिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्डिंग करके लिया है। तो चलिए कटा हुआ पार्ट को इसके ऊपर में रखूँगी, फिर इसी के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले देखना है इसको कौन से साइड की तरफ से रख कर काट करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने रखा है, तो चलिए इस तरीके से कटिंग नहीं करूँगी मैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट किनारे के फैब्रिक के साइड की तरफ से काट लगाऊंगी, यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को भी इसके जैसा ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसके वीडियो को फुल देखिए, अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप सबसे शुद्ध से रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए अभी स्लीव काट करूँगी, स्लीव के काट करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्डिंग करके लिया है। स्लीव का लंबाई देखिए टोटल 9.5 इंच तक होगा और इस साइड से देखिए 7.5 इंच तक रखूँगी और यहाँ से अपने राउंड का शेप देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच तक है। तो चलिए यहाँ से हमारा स्लीव का जितना तक मेजरमेंट है मैंने उसी के हिसाब से ले लिया है और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा पॉप के लिए मैं यहाँ से देखिए 3.5 इंच कुछ इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से इस तरीके से पहले मिलाना है, फिर उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच में एक निशाना लगाया और यहाँ से इस तरीके से शेप मिलाना है। देखिए ये देखिए पहले मेजरमेंट बराबर कर लूँगी, फिर यहाँ से इस तरीके से इस शेप को देना है। चाहे तो आप इसको और भी अंदर की तरफ से शेप लगा सकती हो इस तरीके से, ये देखिए। अब पॉप को खड़ा रखना है तो इस तरीके से भी दे सकती हो। तो चलिए अभी यहाँ से काट कर लूँगी। तो यहाँ तक होगा हमारा स्लीव का मेजरमेंट और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा लिया है ये पॉप के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेट डालूंगी
आप इसको और भी ज़्यादा पॉप रखने हैं तो आप और भी ज़्यादा रख सकती हो, जैसे कि 5.5 इंच 5 इंच इस तरीके से ले सकती हो। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है, इसका सिलाई का वीडियो आप लोग बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से ब्लाउज को कटिंग किया है। वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।